हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉर्ड्स के बारे में कि कॉर्ड्स हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, या हमने अगर कोई कॉर्ड हमें मालूम चला है कि ये गाना सी से स्टार्ट हो रहा है तो आगे ये कॉर्ड्स हमें क्या यूज़ करने हैं। ठीक है, तो कॉर्ड को कैसे फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो हम ये सीखने वाले हैं कि नेक्स्ट कॉर्ड हमारा क्या होने वाला है। जैसे हमने अभी सी कॉर्ड से अगर कोई गाना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा होगा, अगर जी कॉर्ड से हमने कोई गाना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा होगा। तो इसके लिए ना आपको ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ओपन जितने भी कॉर्ड्स होते हैं हमारे, सारे कॉर्ड्स आने चाहिए, और एक स्पेशली एक रूट होता है कि सी कॉर्ड है तो सी कॉर्ड में हम कौन कौन से रिदम, कौन कौन सी कॉर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे सी कॉर्ड है तो सी कॉर्ड में हम कौन कौन सी कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी फैमिली क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि आपको ना रूट मालूम होना चाहिए कि रूट क्या होता है। रूट क्या होता है, रूट होता है कॉम्बिनेशन होता है, या कॉर्ड की फैमिली होती है, या और भी बहुत सारे नाम इसको अलग अलग जगह पे बोल सकते हैं। तो मैं अगर आपको कहूँ कि कॉर्ड की कॉम्बिनेशन क्या है, सी कॉर्ड की कॉम्बिनेशन क्या है, या डी कॉर्ड की कॉम्बिनेशन क्या है, या रूट क्या है, ठीक है, सी कॉर्ड का रूट क्या है, या फैमिली क्या है, तो ये सब एक ही चीज़ होती है। कॉर्ड, रूट, फैमिली, कॉम्बिनेशन, प्रोग्रेस, तो ये सब एक ही चीज़ होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो अभी कॉम्बिनेशन बोले तो कि सी कॉर्ड के साथ कौन कौन से कॉर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी कॉर्ड्स तो बहुत सारी हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी ए सेवन बी सेवन, सारे बहुत सारे, 11 9 12 A2, तो ये सारे कॉर्ड्स हैं। तो इसमें से हमें सी कॉर्ड के साथ कौन सा कॉर्ड यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट, या डी कॉर्ड के साथ कौन सा, या जी के साथ कौन सा आएगा, या बी के साथ कौन सा आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक कॉर्ड्स का ना सिलेक्शन होता है, जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो अभी पर आपका जो अगर कोई मित्र होता है तो चार पांच ही एक ग्रुप होता है, चार पांच का एक सर्कल होता है। तो इसी तरीके से कॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं, बट कॉम्बिनेशन के दौरान चार पांच ही कॉर्ड एक साथ मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे सी का अगर मैं रूट बताता हूँ आपको, तो सी ए माइनर एफ और जी होता है, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 7 8 7 रूट्स आर देयर, 7 रूट्स होते हैं, तो 7 के साथ आपको रूट्स याद करने पड़ेंगे, सी डी E, F, G, A, B, C, लास्ट में C आ गया अगेन, C, D, E, F, G, A, B, C, ओके? तो ये 7 रूट अगर आपने कर लिए तो आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 7 रूट के साथ 7 रिदम आप कर लीजिएगा तो उसका बेसिक रूट, आपका बेसिक जो भी होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा गिटार का। तो इन्हीं 7 रूट्स के अंदर आपको सारे गाने मिलेंगे, माइनर और मेजर के हर प्रकार। तो जो सी कॉर्ड होता है, सी कॉर्ड का रूट क्या है, सी ए माइनर एफ जी हो गया, तो ये रूट होता है, सी का कॉम्बिनेशन होता है, सी की फैमिली होती है, सी ए माइनर एफ जी। अगर सी से कोई गाना स्टार्ट हो रहा है और आपको कॉर्ड्स कुछ नहीं पता, सिर्फ सी पता है, या सी भी नहीं पता होगा, तो आप क्या से करेंगे गाने को ना, एक बार मोबाइल में या किसी भी चीज में आप लगाएं और गाने के साथ साथ ना कॉर्ड प्ले करके देखें, एक एक कॉर्ड, सिर्फ हमें फाइंड करना है फर्स्ट कॉर्ड, कोई भी एक कॉर्ड फाइंड करना है जो उससे मैच हो जाएगा। गाना आपने प्ले करा और गाने के साथ आप कॉर्ड मैच कर रहे हो, ऐसे ऐसे जो भी कॉर्ड लग जाएगा उसमें, तो जैसे सपोज सी कॉर्ड लग गया, या डी कॉर्ड लग गया, या बी कॉर्ड लग गया, तो फिर आपको सारे वही रूट यूज करने, यानी कि सी का ही आपको रूट यूज करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट शो करूंगा, जिस चार्ट में ना पूरा रूट मैंने बना रखा है, वो तो उसके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि पहला गाना, पहला कॉर्ड कौन सा लग रहा है, उसी कॉर्ड के थ्रू सारे कॉर्ड आपको मालूम चल जाएंगे पहले कॉर्ड के। जैसे सी का रूट क्या होता है, सी ए माइनर एफ जी, ठीक है, ऐसे ही डी का रूट क्या होता है, डी बी माइनर जी ए, ऐसे करके। फिर उसके बाद ई का रूट क्या होता है, ई सी शार्प माइनर ए और बी, ऐसी एफ का रूट क्या होता है, एफ डी माइनर ए शार्प और सी, जी का रूट क्या होता है, जी ई माइनर सी और डी, ए का रूट क्या होता है, ए एफ शार्प माइनर डी ई, बी का रूट क्या होगा, बी
जी शार्प माइनर, ई, देन एफ शार्प, देन अगेन सी आ जाता है। तो ये 7 रूट्स अगर आपने कर लिए तो आपका बेसिक कोर्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक कोर्स में यही रूट्स आते हैं, ये सारे रूट्स आते हैं और रिदम आती है, ठीक है। और अलग अलग हर एक रूट में अलग अलग रिदम यूज कर लेना। जैसे कि अगर मैं सी कॉर्ड में यूज करता हूं तो एक रिदम में यूज कर सकता हूं ये वाली, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन 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 डाउन अप। इसमें आप कोई भी गाना ले सकते हो, पापा कहते हैं गाना आता है इसमें, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और नए नए गाने अच्छा चलता हूँ वो भी आ सकता है इसमें गाना, ठीक है। जैसे मैं पापा कहते हैं यूज करके देखता हूँ एक बार, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो मैंने क्या लिया, सी और जी लिया। बट अगर मैं लूंगा सी ए माइनर एफ जी तो वो भी चलेगा। देखो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, देखा वो भी चल रहा है। तो सी ए माइनर एफ जी भी चल रहा है, पर एक्चुअल में कॉर्ड क्या है, सी और जी। तो रूट को इसमें ऑटोमेटिक मर्ज हो जाता है रूट में, ठीक है। तो रूट के अकॉर्डिंग आप चलो, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो रूट के अकॉर्डिंग चलो। अब मत देखो इंटरनेट, इंटरनेट देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी सीख नहीं पाओगे वहां पर, ठीक है। तो आप रूट के अकॉर्डिंग चलो, ये 7 रूट करो, इसमें ये गाना कर लो, या कोई और गाना जो भी आपको सुटेबल लगता हो, चन्ना मेरेया, या और भी बहुत सारे नए नए गाने हैं, तू मेरा कोई ना होके भी लागे, वो भी आप इसमें कर सकते हो। रिदम इसकी सिंपल है, देखो ऐसे ऐसे करके, मुझको इतना बताए तुझसे दिल ये लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां। तो ये तो हुई बात कि रूट के साथ चलना है। अब कॉर्ड कैसे चेंज करने हैं हमें, ये भी तो पता लगे कि कॉर्ड गाने में कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंज होंगे कॉर्ड, कैसे चेंज होंगे। हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो गिटार है ना, ये तुम्हारी वोकल जो है ना, वोकल यानी कि जो गले से जो आवाज़ निकल रही है उसको वोकल बोलते हैं, ठीक है। जो आवाज़ है ना उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब आवाज़ अगर चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर चेंज होगी, मुझको इतना बता, यहाँ पर चेंज हो रही है तो कॉर्ड भी यहीं पर ही चेंज होगा। 4 कॉर्ड हैं तो एक एक करके 4 लाइन में चेंज करते रहेंगे आप। देखो जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूं, मुझको अब आवाज चेंज होगी, इतना बताए कोई, अब फिर आवाज बिल्कुल सेम, क्यों ना तुझसे, अब सी कॉर्ड में अगेन मैं वापस आ गया, क्योंकि वही जो पहले वाली आवाज थी, ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं पहले वाली आवाज में गा रहा हूँ या मतलब ये वाली में गा रहा हूँ, मतलब जो मैंने पहली लाइन गाई है वो कौन सी आवाज में गाई है। जैसे मैं गाया हूं मुझको, अब मैं चेंज करूंगा, इतना बताए कोई, फिर मैं वापस वहीं चला गया जो शुरू में आवाज ली थी, क्यों ना तुझसे दिल ये लगाए कोई, फिर वापिस रब्बा ने तुझको बनाने में चेंज कर दी है हुस्न की, वॉइस चेंज हो रही है, खाली तिजोरियां। बस इतना आपको करना है कि आपको वॉइस पहचाननी है कि मेरी वॉइस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कॉर्ड, अगर वॉइस चेंज नहीं हो रही है आपकी, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा रियाज की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, गाने को सुनो और गाने को सेम एज फॉलो करने की कोशिश करो, हेडफोन लगाओ और उसी की तरह थोड़ा सा एक्ट करो गाने की, ठीक है। तो 2-4 दिन ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल वही ट्यून पकड़ लोगे आप एकदम से, ठीक है। अब ये तो सी की बात है, अब डी में भी कोई ऐसे ही कोई गाना सेलेक्ट कर लो आप, जैसे मैं सॉन्ग लेने की कोशिश करता हूँ, रास्ते हैं भागे पाँव से भी आगे, जिंदगी तो चल कुछ और भी मांगे।
अब मुझे नहीं पता कि इसमें रूट कौन से कॉर्ड चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, बट मुझे ये लगा कि ये डी कॉर्ड में मेरी आवाज के लिए सुटेबल है, तो मैंने सिर्फ पहला कॉर्ड पता करा डी, ठीक है। मुझे जैसे मैंने पता करा, कैसे पता करा, मैंने गाया रा सिते, ये मैच हो रहा मेरी आवाज में। अब मैं सी कॉर्ड रा सिते, ये नहीं मैच हो रहा, रा सिते ये भी नहीं मैच हो रहा, रा सिते ये भी नहीं, डी कॉर्ड ले रा सिते है ये मैच हो रहा, तो मुझे पहला कॉर्ड ऐसे पता चला है, तो मैंने पहला कॉर्ड ले लिया। अब जब मुझे पहला कॉर्ड पता चल गया तो मुझे रूट तो मालूम ही है, डी बी माइनर जी ए, डी के साथ कौन कौन से कॉर्ड आते हैं, डी आता है, बी माइनर आता है, जी आता है और ए आता है, तो मैंने फिर सिंपल सा रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब और मुझे ये भी थोड़ा सा ज्ञान होने लग रहा है कि मेरी आवाज यहाँ पर चेंज हो रही है, तो मुझे कॉर्ड्स भी चेंज करने, वहां पर देखो रास्ते हैं भागे, अब मैं आवाज चेंज हो रही है, पांव से भी आगे, अब फिर दोबारा चेंज, जिंदगी तो चल कुछ और भी मांगे, तो आवाज हल्की हल्की चेंज हो रही है और ये कॉर्ड्स भी हल्के हल्के धीरे धीरे एक एक करके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक एक रिदम के बाद चेंज हो रहे हैं। वैसे तो एक रिदम या हाफ रिदम या दो रिदम के बाद ही चेंज होते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक रिदम आपने प्ले कर दिया जितने में प्ले हुआ, फिर कॉर्ड चेंज करा, फिर दूसरी लाइन कर ली, एक लाइन एक कॉर्ड में, दूसरी लाइन दूसरी कॉर्ड में, तीसरी लाइन तीसरे कॉर्ड में, चौथी लाइन चौथे कॉर्ड में, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। पर अगर आवाज को फॉलो करोगे तो वेरिएशंस आप ज्यादा दे पाओगे उसमें, ठीक है। रास्ते हैं भागे से भी आगे, जिंदगी तो चल कुछ और भी मांगे, क्या सोचना है जाना कहां, जाए वही ले जा, क्या करूं, मैं अपनी आवाज को फॉलो कर रहा हूं, मेरी हाफ रिदम के बाद आवाज चेंज हो रही है, तो मैं हाफ रिदम के बाद कॉर्ड चेंज कर रहा हूं, डाउन डाउन अप अप डाउन, तो मैं हाफ रिदम के बाद कॉर्ड चेंज कर रहा हूं। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, फिर ई का रूट आएगा, ई सी शार्प माइनर ए बी, इस तरह से भी ले सकते हो, रूट में भी आप कोई गाना ले सकते हो, जो भी आपकी गाने में पता लग रहा है ये मेरी आवाज में लग रहा है रास्ते हैं भागे, तो ये आपकी आवाज में डी में लग जाए, क्या पता मेरी आवाज लो है, आपकी आवाज मेरे से हाई हो, या कोई अगर फीमेल सिंगर है तो वो ई में भी गा सकते हैं, क्योंकि फीमेल सिंगर की हाई पिच होती है थोड़ी, ठीक है, मतलब नॉर्मली जनरली देखा जाए तो जो बारीक आवाज होती है वो हाई पिच में मानी जाती है, और जो मोटी आवाज होती है जैसे मेरी बेस वाली आवाज है, थोड़ी सी भारी आवाज है, तो वो लो पिच में मानी जाती है, लो स्केल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो मैंने गाना डी में लिया है वो आप ई में भी ले सकते हो, अगर वो डी वाला आपको हाई लग रहा है तो आप सी में भी ले सकते हो। स्केल को लो और हाई कैसे करना है, ऐसे ही तो करते हैं कि अगर मेरी आवाज में डी कॉर्ड हाई लग रहा है, भाई मेरे से नहीं गाया जा रहा है, इतना नहीं चिल्लाया जा रहा है मेरे से, तो आप लो कर दो उसको, सी से कर लो, सी का रूट कर लो, सी ए माइनर एफ और जी, ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ई का, ऐसे एफ का भी ले सकते हो, एफ डी माइनर ए शार्प और सी। अभी जब एफ का अगर मैं मुझे याद आ रहा है गाना, तो ये ऐसे चल डी माइनर फिर सी ए शार्प सॉरी फिर सी आएगा एफ। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी, ले सकते हो। अगर एफ में आपको ये हाई लग रहा है तो ई के रूट में जा सकते हो आप, सेम टू सेम है, देखो मुझे वैसे हाई लग रहा था एफ में, तो मैं ई में ट्राई करके देखता हूं एक बार। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दे,
तो आप अगर मुझे बताएं कि मुझे एफ में हाई लग रहा है, ई में लो लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताएं एक बार। तो ऐसे ही आप जी के स्केल में भी जा सकते हो, जी के स्केल में तो बहुत सारे गाने, तो जी में अगर आप ये रिदम यूज करते हो, डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ये वाली, इसमें बहुत सारे गाने हैं। आप सर्च करोगे एक बार जी रूट सॉन्ग तो पता नहीं कितने सारे गाने मिल जाएंगे आपको। रूट यही चलाना है आपको, ठीक है, जी ई माइनर सी और डी, रूट आपका यही रहेगा, रूट आपको चेंज नहीं करना है, रूट के अकॉर्डिंग, रूट के थ्रू ही हमें चलना है, क्योंकि हमारा जो हम पैटर्न सीख रहे हैं वो रूट सीख रहे हैं, कॉर्ड कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं। एक बार आपको ये आ गया तो उसके बाद आप कोई भी कॉर्ड इजीली यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ये रूट्स कंप्लीट करो, और रूट्स जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी, हाँ मुझे गिटार बजाना आता है। ये मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ जो स्टार्ट कर रहे हैं गिटार, हाँ गिटार बजाना आता है, सारे रूट, और इन्हीं सारे रूट्स में आपको दुनिया भर के गाने मिलेंगे, सारे गाने इन्हीं रूट्स में भरे हुए हैं, ठीक है। मैं जो इनकी पॉसिबिलिटीज होगी ना साथ साथ में वो भी आपको शो करूंगा, ठीक है। जैसे जी कॉर्ड में पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी, जी ई माइनर सी और डी, ऐसा नहीं कि यही चलेगा, जी डी सी डी भी ले सकते हो आप उसमें, जी सी ई माइनर डी भी ले सकते हो, ठीक है, अलग अलग, जैसे ये चलेगा जैसे ये चलेगा इसमें, शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ये भी ले लिया, ठीक है, जी सी जी डी ले लिया। अगर मैं इसको जी ई माइनर सी डी में करूंगा तो क्या फील आएगी, शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, तो ये आ गया इसमें गाना, ठीक है। अब इसमें मैं अगर कोई गाने यूज करके देखता हूं तो कौन सा वाला गाना लगेगा, देखो, मैं तेरी आंखों में उदासी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया, मैं तेरे पेवर रूट में चल रहा है, जी ई माइनर सी डी, ये पूरा गाना, और ऐसे बहुत सारे गाने आप ले सकते हो, मैशअप भी तैयार कर सकते हो, एक के बाद एक गाने भी ऐड ऑन कर सकते हो, इसमें दिमाग में थोड़ा सा जोर डालोगे तो गाने ऑटोमेटिक आपको याद आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ए का रूट भी ले सकते हो, ये ए एफ शार्प माइनर डी और ई, ऐसे कर जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, आके मरहबा बाते मरहबा, पहली दफा दीवाना हुआ। तो ये ऐसे ले सकते, ये मुझे हाई लग रहा है, अगर मैं जी में करूंगा इसको, जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। तो ये मुझे जी में सही लग रहा है। तो लो और हाई करना आपके हाथों में है, और ये सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है कि हाई कैसे करें लो कैसे करें, बस कॉर्ड को एक नीचे शिफ्ट कर दो, नीचे यानी कि आप ए बी सी डी याद कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। जी से पहले क्या आता है, एफ, यानी कि लो हो गया वो,
अगर पीछे की तरफ जाओगे जी एफ ई डी सी बी ए तो ये लो कर रहे हैं, और अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो हाई कैसे करें, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर कोई गाना सपोज आपको जी से स्टार्ट हो रहा है और वो आपको लग रहा है हाई कि मेरे से जी में गाया नहीं जा रहा भाई, तो चिल्लाना बहुत पड़ रहा है, तो आप उसको एफ में ले लो। अगर एफ में भी नहीं हो रहा तो आप उसको और पीछे चले जाओ, ई में ले लो, आप उसको और पीछे चले जाओ, डी में ले लो, सी में ले लो, तो ऐसे करके आप पीछे जा सकते हो, लो कर सकते हो, अपने वॉइस के अकॉर्डिंग कॉर्ड सेट कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपको कोई गाना सी से स्टार्ट हो रहा है और आपको लग रहा है ये तो बहुत लो है, तो आप हाई कर लो उसको, डी ले लो, सी से बड़ा डी होता है, डी से बड़ा क्या होगा ई, ई से बड़ा क्या होगा एफ, एफ से बड़ा जी, ऐसे करके हाई भी कर सकते हो। तो ये हाई और लो करना ही आपके हाथों में। ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, बी कॉर्ड तो बहुत ही रेयर यूज होता है ज्यादातर, पर बी का भी आना चाहिए आपको, बी जी शार्प माइनर ई और एफ शार्प, ये बी का रूट होता है, ठीक है। तो बी के रूट में क्या चलेगा, कोई भी रिदम चला सकते हो आप, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक सॉन्ग मैं सजेस्ट कर देता हूँ, तेरी वो सैया गर्ल, सैया गाना है कैलाश खेर का, ऐसे बने तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आ जा वोकल को जज ना करें कृपा करके, ठीक है। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूं उस पर फोकस करें। अभी बी का भी रूट हो गया, ऐसे ही करके सारे रूट आपको याद करने हैं, तब जाके आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से मैंने तरीके से बताया, मैंने सिर्फ आज रूट के बारे में बताया, कॉम्बिनेशन के बारे में बताया आपको, सी के साथ कौन से रूट चलने वाले हैं, डी के साथ कौन से रूट चलने वाले हैं, या ई के साथ कौन से रूट चलेगा, या सी के साथ कौन से कॉर्ड चलेगा, डी के साथ कौन कौन से कॉर्ड्स आएंगे, ई के साथ कौन कौन से कॉर्ड्स आएंगे, एफ के साथ कौन कौन से कॉर्ड्स आएंगे, जी के साथ कौन से आएंगे, ऐसे करके सारे मैंने आपको बताया है। तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच।